नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पे पिज्जा। तो घर में कैसे पिज्जा बनाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए कितना अच्छा ये पिज्जा बना है। बिल्कुल आसानी से आप थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा पिज्जा बन करके तैयार हो जाएगा। और बिना ओवन का है ये एक पतीली या कढ़ाई किसी में भी आप आराम से बना सकते हैं। देखिए पिज्जा का ये लेयर देखिए कितना अच्छा बना है, कितना चीजी पिज्जा है ये। तो आइए सीखते हैं कैसे बनता है पिज्जा। इसके लिए एक कटोरी में हमें 5 चम्मच गुनगुना पानी चाहिए और उसमें है 1 बड़ा चम्मच भर करके ईस्ट चाहिए और उसमें 1 चम्मच चीनी चाहिए और इसे मिला करके हम अच्छी तरह से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। अब हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। और फिर 10 मिनट के बाद हम डो बनाना शुरू करेंगे। ये अब हमारा 10 मिनट हो गया है। अब हमें ईस्ट को अच्छी तरह से मिला के साइड में रख देना है और किसी भी बर्तन में हमें 1 कप मैदा डालना है। मैदा में आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो मैदा का ही बनता है पिज्ज़ा। और इसमें हम 2 पिंच नमक डालेंगे। ये सिर्फ एक ही पिज्ज़ा बनने का डो है, अच्छा साइज का है। अब इसमें ये जो ईस्ट वाला जो पानी है उसी से हमें इसको अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें डो बनाना है, सख्त नहीं बनाना है, नहीं तो पिज्ज़ा का डो हमारा अच्छा नहीं होगा। इसे थोड़े थोड़े से पानी डाल करके हमें अच्छा सा सॉफ्ट और चिपचिपा टाइप का हमें इसका डो बनाना है। ऐसे तो बाजार में बना बनाया पिज्जा का बेस भी मिलता है जिसमें लोग ले आते हैं और इसे ऊपर टॉपिंग करके और इसे सेक करके पिज्जा बन जाता है, पर खुद से बेस बनाते हुए पिज्जा बनाने का टेस्ट ही अलग होता है। अब चम्मच से काम नहीं चलेगा इसलिए हमें हाथ तो लगाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो बनाना है। ये देखिए अब हमारा लगभग डो बन करके तैयार है। अब इसे मिलाते हुए इसे हमें ढक के 1 से 1.5 घंटा तक छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटा के बाद ये डबल हो जाएगा, ये हमारा जो डो है वो डबल हो जाएगा फूल करके। ये अभी तो थोड़ा चिपचिपा है पर बाद में इसे हमें बटर लगा करके हाथ में इसे नीट करना होगा। अब इसे हमें ढक देना है। ये हमारा 1 घंटा से ऊपर हो गया है। अब देखिए हाथ में बटर लगा के इसे हमें अच्छी तरह से डो को नीट कर लेना है। अब इसे अच्छी तरह से इसमें मसलना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे हमें बटर और मैदा के सहायता से हमें इसका हमें अच्छा सा डो तैयार करना है। हमारे डो बनाने में ही बहुत सारा टाइम लगता है।
अब इसे अच्छी तरह से चारों साइड से नीट करते हुए हमें बना करके फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हमें जिस बर्तन में पिज़्ज़ा पैन तो नहीं है मेरे पास, पर इस बर्तन में हमें डो को रखते हुए हाथों से फैलाना है चारों साइड में, हमें अच्छी तरह से फैला देना है। और इसके बाद हमें सॉस लगाना है, पिज्ज़ा सॉस लगाइए चारों साइड में अच्छी तरह से फैला फैला करके। चारों साइड बढ़िया से फैलाते हुए हमें इसके बाद इसमें हम जो भी सब्जियां हैं कटी हुई उसे हम चारों साइड स्प्रेड करेंगे। ये है अनियन, इसके बाद है शिमला मिर्च है और कॉर्न है। इसे फैलाने के बाद फिर इस पे हम चीज़ को हम स्प्रेड करेंगे चारों साइड में। चीज़ का क्यूब है, एक पिज़्ज़ा में कम से कम 3 क्यूब डालेंगे तभी बहुत अच्छा ये चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार होगा। ऐसे धीरे धीरे करके चारों साइड में पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा के ऊपर फैलाएंगे। सब पिज़्ज़ा में चीज़ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब ये तीसरा क्यूब है, अब इसके ऊपर फिर से जो कैप्सिकम है उसे हम अच्छी तरह से सजाते हुए डाल देंगे। कॉर्न है उसे बीच में जो बचा हुआ है उसे चारों साइड में डाल देंगे, हम फैला देंगे अच्छी तरह से। और ये पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हमें मिक्स हर्ब है जो उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें गैस पे एक पतीली में कम से कम 1/2 kg नमक डाल करके इसके ऊपर एक नेट डाल देंगे और 5 मिनट पहले से ही ये गर्म करना होता है, उसके बाद हमें पिज़्ज़ा को डालना होता है। इसके बाद हमें 30 से 40 मिनट तक ढक करके इसे मीडियम फ्लेम में पकाना होगा, तब जा कर के ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। इसे हमने बाहर निकाल दिया है, ये रहा आपका पिज़्ज़ा, देखिए कितना अच्छा बना है। अगर यही ओवन में रहता तो ऊपर से भी इसमें रेडनेस अच्छा आता, लेकिन ये पतीली में बना है फिर भी बहुत अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है।